क्या हल्दी वायदा पर लगेगी रोक? आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह। दरअसल कीमतें लगातार गिरती जा रही हैं वायदा के अंदर, और ऐसे में व्यापारियों का कहना है कि हल्दी वायदा के ऊपर रोक लगनी चाहिए। मराठवाड़ा विदर्भ ट्रेड एसोसिएशन ने वित्त राज्य मंत्री को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने हल्दी वायदा बाजार में ट्रेडिंग पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। एसोसिएशन ने आरोप लगाया है कि कुछ ट्रेडर्स और कॉरपोरेट्स कर रहे हैं अपना फायदा, वायदा भाव में सहूलियत के हिसाब से भाव तय हो रहे हैं। महाराष्ट्र के किसानों को इसका काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। विदर्भ मराठवाड़ा में 50% हल्दी का उत्पादन हुआ है, जबकि ट्रेडर्स 97% हल्दी उत्पादन का भाव तय कर रहे हैं। ऐसे में एसोसिएशन ने कहा है कि हल्दी वायदा बाजार में ट्रेडिंग पर प्रतिबंध तुरंत लगा देना चाहिए। जिस तरीके से भाव को लेकर खेल खेला जा रहा है और इसका सीधा असर किसानों के ऊपर आता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसे में एसोसिएशन ने वित्त राज्य मंत्री से मांग की है कि हल्दी वायदा बाजार में ट्रेडिंग को तुरंत प्रभाव से बैन कर दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।